हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड यू आर वेलकम टू लर्न लाइवली। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर रेसिपी, जो कि है एग बर्गर। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैकडोनल्ड में और इसे सभी नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये एग बर्गर्स। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो आप कभी भी इसको खा सकते हैं। यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए देरी ना करते हुए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर बनाने के लिए कोई भी खास इंग्रेडिएंट की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ों से इसको बनाया जाता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही सिंपल टेस्टी रेसिपी है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्याज लेनी है और उसको अपनी मनपसंद कटिंग में कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्याज को पतली पतली रिंग्स में कट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें लेना है फ्रिज का ठंडा पानी और इस ठंडे पानी में हमको प्याज को भिगोकर रख देना है। अच्छा होगा आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें जब तक बर्गर बन रहा है, बस तब तक के लिए। ऐसा करने से क्या होगा ना दोस्तों, जो हमारे प्याज में बिटरनेस होगी वो निकल जाएगी और साथ ही में प्याज बहुत ही जूसी और खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब बारी आती है हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है ये बर्गर बन। तो अब क्या करना है आपको दोस्तों, इस बर्गर को 20 से दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो मैं इसको नाइफ की हेल्प से दो इक्वल पार्ट में कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से कट करना है आपको। अब हमें बर्गर बनाने के लिए बन को अच्छे से तैयार करना है, एकदम बढ़िया मक्खन लगा के, कुरकुरा कुरकुरा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना आप। बटर आपको बन के अंदर वाले साइड पे ही लगाना है, बस बाहर वाले साइड से हम टोस्ट नहीं करेंगे। अब हमें लेना है एक तवा और तवे पे लगाना है मक्खन। और अगर मक्खन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी है घी, और ये भी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी चलेगा दोस्तों। अब हमें बन को एकदम लो फ्लेम पर रख देना है टोस्ट होने के लिए, बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक। और ध्यान रखिएगा फ्लेम लो ही रहे। तो ये लीजिए दोस्तों, बन एकदम बढ़िया क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब गैस की फ्लेम को तो बंद कर देना है, मगर बन को आपको इसी तवे पर रहने देना है, ताकि जब तक हम आगे की तैयारी करें हमारा जो बन है वो ऐसे ही क्रिस्पी बना रहे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग बर्गर बनाने के लिए एग को तैयार करना। तो जैसा कि हम बना रहे हैं मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर, तो तरीका थोड़ा अलग है उसका, मगर है बड़ा आसान। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आरती ने बन तो एक लिया था और एग्स दो। तो फ्रेंड्स, मैं दो एग से एक बर्गर की पैटी बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंगल एग से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो मैकडोनल्ड में बर्गर बनाए जाते हैं उनके लिए खास तौर पर रिंग होती है, उसकी हेल्प से बनाया जाता है। मगर हम यहाँ पे कटोरी का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया एग बर्गर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कटोरी में लगाना है ऑयल बिल्कुल बढ़िया से, और आप यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब हम इस कटोरी में एग को फोड़कर डालेंगे। तो ये मैंने फोड़ दिया दोनों एग्स को। अब मैं इसमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है गैस पर, आप चाहें तो कढ़ाई या किसी भी गहरे बर्तन में इसे बना सकते हैं। अब हमारी कटोरी जाएगी इस पैन में, और साथ ही में हमें इसमें ऐड करना है पानी। करीब एक कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ। अब हमको क्या करना है, इसको कवर कर देना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो आइए दोस्तों, हम एक बार इसको चेक करते हैं कि एग किस तरह से पक रहे हैं। तो ये देखिए, कटोरी के किनारे आपको एग वाइट होता हुआ दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद देखिएगा इसी तरह पूरा एग हो जाएगा। मैं फिर से कवर कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, करीब 5 मिनट हो गए, आइए अब हम फिर एक बार चेक करते हैं। तो अब आप कैसे पता करें कि एग पका है कि नहीं, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो एग है इसने किनारे किनारे से कटोरी के साइड्स को छोड़ दिया है, इसका मतलब एग अच्छे से तैयार है। और दूसरा तरीका एक और है चेक करने का, आप स्पून को एग के ऊपर प्रेस करके देखें, अगर एग पक गया होगा तो हार्ड हो गया होगा और स्पून एकदम ऊपर ही रहेगा, मतलब कि आपका स्पून अंदर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, सब कुछ रेडी है, अब बस हमें बर्गर को बनाना है और खाना है। तो आइए फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तवे पे ही बन को रखने से बन एकदम क्रिस्पी है।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एग पैटी है इसको निकालना है। आप कटोरी को उल्टा करके बन के नीचे वाले साइड पे रख दीजिए और ये देखिए एकदम आराम से आपकी एग पैटी निकल जाएगी। अब हमें एग पैटी के ऊपर स्प्रिंकल करना है ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे वही प्याज जो हमने ठंडे पानी में भिगो कर रखी थी। आप देख सकते हैं प्याज कितनी बढ़िया एकदम फ्रेश दिख रही है देखने में। प्याज भी आप कम ज़्यादा जैसी भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब आपको लेना है मेयोनीज, आप अपनी पसंद की कोई भी मेयोनीज या केचप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वेज ओरिजिनल मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। अब आपको लेना है बन और मेयोनीज को इस पे स्प्रेड करना है, ये भी आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार लगा सकते हैं। अब हमें ये स्लाइस रखनी है एक पैटी के ऊपर और हल्का सा प्रेस कर दीजिए जिससे सब अच्छे से सेट हो जाए। मैंने यहाँ पे मिंट लीफ से गार्निश किया है, आप भी कर लीजिए पुदीना या धनिया से, अगर किसी को सर्व करते हैं तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैकडोनल्ड स्टाइल एग बर्गर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, लग रहा है ना एकदम टेस्टी टेस्टी। कमेंट करके बताना ना भूलें रेसिपी कैसी लगी, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।